शास्त्रीनगर स्थित पांच राज इंडेप कंपनी एनसीसी यूनिट परिसर में एनसीसी कैडेट का 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 21 से 25 सितंबर तक शुभारंभ किया गया। शुरुआत में शिविर के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने 5 दिवसीय शिविर की रूपरेखा बताई। कार्यक्रम के सभी अतिथियों का स्वागत किया। शिविर में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र गोयल, उपखंड अधिकारी ओम प्रभा, संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना, मेवाड़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर आनंद वर्धन शुक्ला, पूर्व मांडलगढ़ विधायक विवेक धाकड़, संगम विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता आदि उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने उद्बोधन में एनसीसी कैडेट को देश में एनसीसी की महत्ता एवं एनसीसी की भूमिका के बारे में बताया। इसके पश्चात एनसीसी कैडेट को उनकी योग्यता के हिसाब से सीनियर अंडर ऑफिसर सार्जेंट कॉर्पोरल लांस कॉर्पोरल की रैंक प्रदान की गई। शिविर का विधिवत उद्घाटन कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने घोषणा करके करी। शिविर में संगम विश्वविद्यालय तथा मेवाड़ विश्वविद्यालय के लगभग 100 कैडेट भाग ले रहे हैं। शिविर में हथियार प्रशिक्षण, ड्रिल, फायर फाइटिंग, लीडरशिप आदि का प्रायोगिक एवं लिखित के अनुरूप सिखाया जाएगा। शिविर में संगम विश्वविद्यालय के एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन, मेवाड़ विश्वविद्यालय एएनओ लेफ्टिनेंट ताबिश अली खान, सूबेदार जसबीर सिंह, सूबेदार शैलेंद्र सिंह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन कैडेट साक्षी पारिक ने किया। जो फील्ड आपने चुनी है उसमें आपको सक्सेस मिले। एक कैडेट को मैं पर्सनली जानती हूँ, तो जो उसके मन में एनसीसी और मैं जाना चाहती हूँ, सेना में जाना चाहती हूँ, जो उससे सुनने को मिलता है तो रो रो खड़ा हो जाता है।